हाँ जी संजय, जी बोलिए। सर, आवाज आ रही है। ठीक ठीक है, ठीक आवाज आ रहा है ना। ठीक, तो ये जो हमारा स्लैब है, स्लैब का लेंथ कितना है? 8882 mm। ठीक है, विड्थ कितना है? 4200 mm। ठीक, 8882 mm बाई 4200 mm। अब इसमें जब भी आप लैब प्रोवाइड करोगे, तो इसमें लैब आपको बीम जंक्शन, बीम के ऊपर प्रोवाइड करना है। मतलब यहां पर प्रोवाइड नहीं करना है, स्लैब वाले पोर्शन में। यहाँ स्लैब वाले पोर्शन में कभी भी लैब देने की जरूरत पड़े तो उसको जो है आपको लैब कहाँ देना है? ये बीम के ऊपर। ठीक है, बीम के ऊपर लैब देना है। और फिर आप देखोगे तो ये जो है हमारी रिइंफोर्समेंट है। अब हमारी जो है स्लैब की लेंथ कितनी है? 8882 mm है। ठीक है, तो इसमें हमें जनरली लैब की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमें लैब देने ही नहीं है, क्योंकि अगर हम लैप नहीं देंगे और सारी की सारी जो है 8882 mm के सरिया काट देंगे, तो हमारा वेस्टेज बहुत ज्यादा निकलेगा। तो कहीं ना कहीं पे हमें लैप तो देना ही पड़ेगा किसी न किसी बार पे। ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम खाली अपने हिसाब से काटते जाएं और जो बचा उसको स्क्रैप। तो देखो, आप लोग ने देखा अभी ड्राइंग को, जो हमारी जो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे ऐसे, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहां पर फर्स्ट, जब हम फर्स्ट निकालेंगे तो यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टॉप मेन बार, मेन बार। ठीक है, अब ये मेन बार जो है हमारी, इसको किस डायरेक्शन में लिखना है हमारे को? मेन बार जो है हमारी कौन सी है? टॉप मेन बार। ठीक, तो ये ग्रिड कहां पर है? एट ग्रिड। ग्रिड कहां पर है? अभी हमने डिस्कस किया था ये कौन से सी, सी से लेके ई तक है। ठीक है, सी से ई ग्रिड और ऑब्लिक 1 to 2, 1 to 2 के बीच में ये लाई कर रही है। ठीक है, ये दोनों किसके बीच में है? ग्रिड के बीच में। देखोगे तो ये सी टू ई और 1 to 2 के बीच में है। ठीक है, हमारे को लेंथ पता है, हमारी लेंथ कितनी है? अगर हम देखेंगे तो इसकी लेंथ कितनी होगी? हमारी टोटल लेंथ, कट लेंथ निकालेंगे इसकी, कट लेंथ। जब कट लेंथ निकालेंगे तो हमारी कितनी आएगी? यहां से निकालोगे तो 8882 mm। ठीक है, 8882 की है हमारी पूरी क्लियर स्पैन की लेंथ है, क्लियर स्पैन की लेंथ। ठीक है, 882 mm क्या है? क्लियर स्पैन की लेंथ। इसमें हम क्या करेंगे ऐड? इसमें कल हमने आपको बताया था कि एलडी ऐड होता है, जो बिम के अंदर सरिया जाता है वो हमारा एलडी होता है। ठीक है ना, वो हम लोग एलडी एलडी ऐड करते हैं। तो एलडी अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें या तो आप कितना करोगे, 45D कर लोगे, 45D ऐड कर लोगे। एक तो ये तरीका है, 45D ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है? अगर हम इसको नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें यहां पर स्लैब की थिकनेस कितनी है हमारी? स्लैब की थिकनेस, स्लैब की जो बिम है, बिम बिम जो है, या हमारा यहाँ पर बिम जो है उसकी चौड़ाई कितनी है? बिम की चौड़ाई, बिम की चौड़ाई B1 की जो है हमारी है 200 mm। ठीक है, इसकी चौड़ाई है 200 mm। ठीक, 200 mm इसकी चौड़ाई है बिम की। तो 200 mm जो आपका ये स्लैब के अंदर जा रहा ना, ये बिम है आपका। ठीक, ये बिम है और ये आपका कंटिन्यू हो रहा है यहां से स्लैब, इस तरीके से आपका कंटिन्यू स्लैब हो रहा है। तो जो बिम के अंदर सरिया आ रहा है आपका, ये जो सरिया बिम के अंदर आ रहा है स्लैब से, वो इस तरीके से हो रहा है आपका, ये इस तरीके से बैंड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये या तो मैंने बताया 45D ले लो, ठीक, या तो आप इसको इस तरीके से, ये चौड़ाई कितनी है बिम की? 200 mm है, 200 mm इसकी चौड़ाई है। ठीक है, और डेप्थ कितनी है इसकी? 600 mm डेप्थ है, 600 mm। तो हमें जो है स्लैब की थिकनेस के हिसाब से लेना है, उसको बिम के हिसाब से नहीं लेना है, स्लैब की थिकनेस के हिसाब से। तो स्लैब की थिकनेस कितनी है हमारी? स्लैब की थिकनेस हमारी है 40, ये मेन बार की लेंथ, वर्टिकल मेन बार की लेंथ। ठीक है, वर्टिकल मेन बार की लेंथ। तो हमारी जो वर्टिकल मेन बार है, अगर हम अंदर से अंदर देखें तो अंदर से अंदर कितनी है? 3986 mm, 3986 mm। ठीक है, अंदर से अंदर कितनी है? 3986 mm। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहां हम लिखेंगे लेंथ ऑफ वर्टिकल मेन बार, वर्टिकल मेन बार।
मेन बार, डाया क्या है, 10 डाया, 10 डाया। अभी हमने डिस्टेंस निकाला था जब हम लोग कर रहे थे, तो एक एक मीटर के अंदर 6 नंबर ऑफ बार्स हैं, तो 1000 डिवाइडेड बाय कर दो, 1000 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइडेड बाय 6 मतलब 166.66 mm जो है 167 कर सकते हैं, 167 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है, 167 सेंटर टू सेंटर हमारा डिस्टेंस है बिटवीन टू बार्स, ठीक। तो अभी हमारे को जो है लेंथ निकालनी है सबसे पहले हमारे को, तो लेंथ के लिए हमारे क्या होगा, अभी आपने देखा कितना है हमारा 33 जो हमारा आ रहा था, क्लियर स्पैन का जो लेंथ आ रहा था 3986, तो 3986 प्लस हमें क्या करना है, दोनों तरफ जो है उसका जो हमारे बिम के अंदर जो जाएगा वो रिइंफोर्समेंट, इधर की तरफ भी बिम के अंदर जा रहा है वो ऐड करना होगा, और इधर की तरफ भी जो बिम के अंदर जा रहा है वो ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो सेम वैसे ही पीछे की तरफ वाला जो पीछे हमने किया था वही चीज यहाँ पर भी ऐड करेंगे, क्या चीज, 200 क्या बिम की चौड़ाई, 200 माइनस वन साइड का कवर कितना 20 mm का, ठीक, प्लस कर देंगे इसमें, इसमें प्लस कर दो कितना हमारा स्लैब का थिकनेस 150 mm, माइनस कर दो टॉप एंड बॉटम का कवर -20 -20। हाँ, इसमें एक चीज और करना, एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई लास्ट टाइम पे, इसमें माइनस भी करना पड़ेगा नंबर ऑफ बैंड्स को, नंबर ऑफ बैंड को माइनस करना पड़ेगा, एक बैंड है वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1.5d इनटू नंबर ऑफ बैंड्स, तो डी कितना है 10 और नंबर ऑफ बैंड कितना है 1, तो ये और कर लेना इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दोनों दो से मल्टीप्लाई कर देना, टू से इसको मल्टीप्लाई कर देना फॉर बोथ एंड के लिए, क्योंकि ये इस तरीके से जा रही है ना, तो यहाँ पर भी बैंड होगा, यहाँ पर भी बैंड होगा, तो ये वाला जो है हमारा ये वाला बिम है यहाँ पर और एक बिम यहाँ पर है, तो ये दोनों चीजें हम ऐड कर रहे हैं, ये तो हमें पता है कितना है 3986, ठीक है 3986 ये लेंथ है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक। फिर हमें ये जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये वैल्यू ये है, ये वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, एक इस तरफ की, टू से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों एंड की हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। ये तो हो गई हमारी क्या चीज, लेंथ, ये हमारी हो गई कट लेंथ, कट लेंथ ऑफ वर्टिकल मेन बार, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो हम बिछा रहे हैं उसकी मेन बार की लेंथ, ठीक। तो मतलब 4082, ये जो बिछेंगे 4082 में बिछेंगे आपके, ठीक है 4082 में, तो इसका हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, 4082 में बिछेंगे, तो ये बिछेंगे आपके 8042 में, 8042 में जो है नंबर्स कितने आएंगे आपके, 333 से डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड कर देंगे कितने आएंगे, 8042 डिवाइडेड बाय आपका 333, तो मतलब हो गया 24 प्लस 1, तो 25 नंबर्स आएंगे, ठीक है 25 नंबर्स, और लेंथ कितनी आएगी इसकी, तो जो बिम के अंदर वाली जो एलडी की लेंथ है ना वो तो आप कैलकुलेट कर दोगे, आपको समझ गए होगे, वो कैलकुलेट करना प्लस 25.25 इनटू 0.25 ऑफ व्हाट, 0.25 ऑफ दिस वन, कितना 0.25 ऑफ ये 3986, इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे जो है 4430 है ना, 4430, ठीक है, तो 4430 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, ठीक है, प्लस बिम की चौड़ाई भी ऐड करनी है, क्योंकि बिम की चौड़ाई उसमें बताने के, बिम की चौड़ाई जो है हमारे कितनी है 200 mm, तो वो 200 आ जाएगा, प्लस सेम यही चीज रिपीट हो जाएगी इधर की तरफ भी, क्योंकि उसने कहा कि जो बड़ा है, जो विच इज ग्रेटर, जो भी बड़ा है वो लेंथ आप कंसिडर करोगे, तो 4430 इंटू 0.3, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर दोगे तो आपकी लेंथ निकल जाएगी, तो कितना आ जाएगा ये 4430 इंटू 0.3, तो ये आ गया 1329 प्लस 200 प्लस 1329, तो इनको सॉल्व कर दो इंटू 2 प्लस 200, तो ये आ गई आपकी 2858 mm, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, जो हमारी एक्स्ट्रा बार जो हमारी बीच में बिछ रही है उसकी लेंथ आ गई, ठीक है ना, उसकी लेंथ आ गई, जो हमारे बीच में जो एक्स्ट्रा बार है ना। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना,
या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान सेक्शन एलिवेशन रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग को या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना या क्यूक्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना या प्लानिंग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स लाया है A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों यहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर और सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिंक्स में आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारे जो हमारा नेक्स्ट फ्लोर का जो है स्लैब है उसका डिटेल भी यहां पर दे रखा है। इसको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसको भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसके रिइंफोर्समेंट यहां पर पूरी की पूरी दिखा रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट करने होंगे, डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग को आप सॉल्व करोगे तो आपका माइंड खुलेगा। कैलकुलेशन देखो, बिल्डिंग में बहुत इजी है काम करना, बहुत ज्यादा इजी है। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जाते हो ना इस टाइप के, जैसे मेट्रोज हो गए या इस जो WTP प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग शेप्स के आपको कैलकुलेशन करनी होती है, रिंग्स वगैरह की या फिर स्टील वगैरह की कैलकुलेशन, तो बहुत ज्यादा दिमाग घूमता है। तो कल इस प्रोजेक्ट को करने से पहले एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेंगे, सर्कुलर प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज आज इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम को 9 बजे।